ऑरोविल। आज तक इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, कुछ कहानियाँ और कुछ सच्चाई, इसलिए इस जगह को एक बार खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो आज पौंडीचेरी से रॉक बीच देखने के बाद मैं पहुँच गया हूँ ऑरोविल, इंडिया की एक काफी अनोखी जगह, या यू कहूँ कि काफी अलग जगह। अलग, यस, डिफरेंट, वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। Auroville is located mostly in the state of Tamil Nadu and some parts of it are also in Pondicherry. So what is Auroville? Auroville है क्या? Auroville एक experimental township है, which was founded in 1968 by Meera Alfasa, also known as the Mother, based on the missions of Sri Aurobindo, a famous Indian yogi and a philosopher. ऑरोविल को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, ह्यूमन यूनिटी के इम्पोर्टेंस को समझना, एक यूनिवर्सल टाउन जहां पूरे दुनिया के लोग एक साथ रह सकें, पीस और हारमोनी के साथ। यहां कोई कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी या फिर रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। एवरीबॉडी लिविंग इन ऑरोविल होल्ड्स इक्वल राइट्स, अर्न्स इक्वल सैलरी एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो गाइस, नाउ वी आर एट ऑरोविल विलेज, ठीक है, अपने दोस्त लोग आ गए, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, कुछ बताओ पहले से, क्या है? बोला है भाई, सोने का ग्लोब। पागल है क्या, सोने का ग्लोब है? हम बताने, हाँ हम भी एक्सप्लोर करने हैं, हम भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, बट क्या है, कैसा है? ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मजा आने वाला है। यही है अपना ऑरोविल विलेज जहाँ हम घूम रहे हैं प्रॉपर। लाइक ये दोनों पाथ बना हुआ ही है, ठीक है, और हम लोग अभी ना वहाँ से, वो क्या है, रॉक बीच से, ठीक है, और ऑरोविल विलेज अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑरोविल को समझना एक आउटसाइडर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड टू गो टू ऑरोविल विजिटर सेंटर। सून आफ्टर यू रीच इन दिस टाउनशिप, यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट ऑरोविल हियर। यू कैन इवन रेंट अ बाइसाइकिल टू एक्सप्लोर द टाउनशिप एंड दिस बाइसाइकिल रेंटल नथिंग कॉस्ट मोर देन 60 रुपीज अ डे। सो गाइस, अभी ना अपन लोग एनर्जी के लिए ना नारियल पानी पीते हैं, यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं, ठीक है, सारे लोग के लोकल है ना, गांव का है भाई, बिल्कुल ठीक है ये। देयर आर मेनी कैफेटेरियाज इनसाइड द विजिटर सेंटर, यू कैन विजिट द लाइब्रेरी एंड बाय सुवेनियर्स एंड क्लोथ्स हियर। जर्नी बिगिंस विद श्री अरविंदो एंड इन 1968, पढ़ ले भाई, ये पढ़ ले भाई, ओके, ये ना आप लोग पॉज करके पढ़ लेना भाई, इतना करेंगे ना बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ना पॉज कर करके अगर पढ़ना होगा ना, हाँ, या इनोग्रेशन ऑफ ऑरोविल विलेज 20th February 1968, ओके, या ओके ओके, देन इन 1969 इट्स द फर्स्ट पायनियर्स अराइव, ओके 1969, या फॉरेनर्स, एंड इन 1971 to 73 गोइंग डाउन इन टू मैटर, कंप्लीशन ऑफ फोर पिलर्स, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सो गाइज, ये ना पूरा स्टोरी 1980 to 1982 बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एज अ होल, फॉलोइंग अ स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयर्स द योगा ऑफ ऑरोविंदो इज नॉट अ रिलीजन। जो अपन लोगों को समझ में आ रहा है उतना बता रहे हैं, ठीक है, मतलब फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं, और 1988 का ये है, ये भी देख लेना भाई, ठीक है, एंड टुवर्ड्स ह्यूमन यूनिटी, ये रहा जहाँ पे बोनफायर इन द एमपी थिएटर, द पर्पस ऑफ ऑरोविल इज टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी, तो ये ना अपना आ गया, तो ना अपन लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ब्लॉग लंबा ज़्यादा करना नहीं, आप लोग पॉज करके देख लेना, एंड जहाँ वो है ना पूरा जहाँ पे यूनिटी के लिए लोग यूनाइट हुए थे वो भी आप लोग अभी मैं दिखाऊँगा, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, मैत्री मंदिर, मैत्री मंदिर। इट्स वे फॉर मैत्री मंदिर, ठीक है, तो अभी अपन लोग ना पूरा आज जो भी एक्सप्लोर करेंगे पौंडीचेरी में वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बढ़िया से आप लोगों ना लाइक पूरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बना के दिखाने वाले हैं, और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है, तो चलो अभी ना ये जो मैत्री मंदिर है इसको एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं आप लोग से। ये देखो भाई, ये रहा अपना कुछ ऐसा,
ये था जहाँ पे लोग यूनाइट हुए थे, ये है वो स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। एंड ये देख लो इसके ना सारे मैकेनिज्म, ये था बोन फायर जहाँ पे बोन फायर हुआ था, ये एंड यू ऑल कैन सी द फॉरेनर्स आर ऑल्सो हियर टू सी आवर इंडियन कल्चर एंड द ट्रेडिशन। तो ये है अपना, ठीक है, ऐसा था अपना, हो गया, ठीक है। अब क्या भाई इधर हो गया द एंड। Auroville is famous for its handicrafts. You can buy different kinds of lights, candles and souvenirs from here. All these items made in Auroville itself. So guys, आप लोगों ना अगर वो जो actual structure है वो अगर देखना है तो ये पास लेना पड़ेगा यहाँ से। आप लोग कितने लोग हो, लेकिन ये ना ये कोई पैसा नहीं लगता, फ्री पास है, ठीक है, फ्री पास फॉर द मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट, ठीक है। तो ये 9 बजे खुल जाता है मंडे टू सैटरडे एंड 4:30 PM को सैटरडे तक एंड संडे 9 AM to 1 PM ओनली, ठीक है। एज यू कैन सी 1.5 किलोमीटर, हाँ, यहाँ से अपन लोग को ना 1.5 किलोमीटर 30 मिनट्स वॉक करके जाना है, लाइक वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वहाँ तक, ठीक है। मैत्री मंदिर, हाँ, ये रहा ना मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट, ये आप लोग देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो अपन लोग अभी वॉक करके चलेंगे व्यूइंग पॉइंट तक, ठीक है। तो चलो आप लोग ना बने रहो अपने साथ, और आप लोगों को ऐसे ही पूरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स बना के देंगे अपन लोग, ठीक है। तो चलो जी, ये रहा ना जैसे ही हम आप लोगों को लाइक वो पॉइंट दिखाया था ना, वहाँ से ऐसी पाथ बना हुआ है, वॉक करके जाना है, ये बीच लाइक रोड कनेक्टेड है और सीधा बिल्कुल जाना है 1.5 किलोमीटर के लिए। ये देखो गाइस पूरे ऐसे ना जंगल होके जाना है, ये प्रॉपर विलेज है लेकिन बहुत पुराना। तो तो ये ना पूरा पूरा गांव से होके ना जंगल के बीच से होके अपन लोगों को जाना है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ये ना पूरा गांव का याद दिला, देख वो बोरिंग देख वहाँ पे, बोरवेल, हाँ बोरवेल, कुआं, ठीक है। बट चलो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़्यादा बोरिंग नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट एकदम डिट्टो रखना है। ये देखो भाई ऐसे होके जाना है बिल्कुल 1.5 किलोमीटर प्रॉपर गांव के, देख रहे हो इधर इधर का ना ये सॉयल है ना, ये बिल्कुल रेड सॉयल है, ठीक है। पहली बार मैं देख रहा हूँ, तू देखा है पहले ऐसा मिट्टी? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है। महिंद्रा, चलो जी, ये ना सारे जो ये पेड़ है ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, देख रहा है, सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अपन लोग बस पहुंचने ही वाले हैं अपने लोकेशन पे, ठीक है, तो पहुंचते ही मिलते हैं आप लोगों से। यहीं है वो पॉइंट, ठीक है, मैत्री मंदिर, देख रहे हो भीड़ यहाँ से, भाई साहब लाइक उतना पास तो जा नहीं सकते हैं, बट जूम करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलो भाइयों, ये देखो Auroville विलेज में यही है वो पॉइंट, देख रहे हो। अबे यार इसके पास नहीं आ सकते क्या? हाँ नहीं जा सकते, नहीं भाई, ओनली फोटोग्राफ्स। तो यही था अपना व्यू जिसके लिए हम अभी यहाँ तक चल गए हैं, ठीक है। ये देखो भाई फोटोग्राफी, इन लोगों का फोटोग्राफी स्टार्ट है एंड फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सही है ना। तो यही करें, ठीक है। तो यही था इसके लिए अभी अपन लोग वॉक कर गए हैं, और ये है यहाँ पे कुछ हिस्ट्री, क्या है भाई देखो द लेक, ठीक है। तो यही सब है यहाँ का एंड ये देखो पूरा रेड सॉयल है, पूरी जो मिट्टी है ना लाल है।
देख रहे हो। एंड ये है वो पॉइंट मैत्री मंदिर वाली, देखो। और विलेज विलेज से बस से एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ना अभी 1.5 किलोमीटर पैदल चल के गए थे तो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छे से रेस्ट वॉक लगा हो क्या? भूख लग रहा है। हाँ भाई बिल्कुल। तो चलो अभी ना पहुंच जाते हैं वहाँ पे ना, तो मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी अपन लोगों को लंच भी करना है, ठीक है। बहुत तेज गर्मी हो रही थी तो अपन लोग ये आम यहाँ का लाइक लोकल है मैंगो और पानी भी है, देखो ये पूरा शॉप है यहाँ पे ना, अभी एंटर किया था नहीं है, तो अपन लोग बैठ के यहाँ पे आम इंजॉय करेंगे, कच्चा आम, ठीक है। देख लो ये जो अपन कच्चा आम खा रहे ना, इसके बारे में फीडबैक लेता पूछते हैं लोगों से, ठीक है, कैसा लग रहा है? बता भाई कैसा लग रहा है? मजा आ गया। तू बता भाई पवन कैसा है? एक नंबर भाई, वर्थ इट है। 50 रुपए का था ना, 50 रुपए का एक बड़ा सा आम, ठीक है, मजा आ रहा खा के, ठीक है। जो भी इधर आ रहे हो ना तो ये ट्राई करना, बिल्कुल रिकमेंडेड है, हम तीनों हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्राई करना आप लोग।